हेलो दोस्तों, लैपटॉप मास्टर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त निशांत आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो एक नए लैपटॉप के साथ। आज हम लेके आए हैं एचपी का न्यूली लॉन्च्ड EG3027TU लैपटॉप, जो एचपी पवेलियन i5 13 जनरेशन के अंदर है। मार्च 2023 में एचपी ने ये लॉन्च किया है और आज हम उस लैपटॉप की अनबॉक्सिंग करेंगे और उसका रिव्यू करेंगे और उसको फिजिकली ओपन करके भी आपको दिखाएंगे। कहीं मत जाइएगा, वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे यही कहूंगा, आप जल्द से जल्द हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं जितने भी लॉन्च होते हैं लैपटॉप, जल्द से जल्द आपके सामने उसकी अनबॉक्सिंग लेके आए और उसका रिव्यू भी करें। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोज हमारी देखते रहेंगे, तो हमारा हौसला भी ऐसे ही बढ़ता रहेगा। तो चलिए देखते हैं आज का लैपटॉप। ये एचपी का लैपटॉप है EG3027TU, पवेलियन सीरीज में एचपी ने ये लॉन्च किया है। बात करेंगे प्रोसेसर की, i5 13 जनरेशन में 1340p इसके अंदर प्रोसेसर है, 512GB SSD, 16GB रैम, 15.6 इंच का फुल HD IPS डिस्प्ले के साथ ये लैपटॉप लॉन्च किया है। साथ में फिंगरप्रिंट रीडर भी एचपी ने इसमें दिया है। तो चलिए करते हैं लैपटॉप को ओपन और देखते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन। तो ये रहा नया लैपटॉप आपके सामने। तो दोस्तों, लैपटॉप हमारा ओपन हो गया है। सबसे पहले देखते हैं वही एज यूजुअल लैपटॉप के कंटेंट्स में हमेशा हमें चार चीज मिलती है, प्रीमियम पावर कोर्ड, 65 वाट का एडाप्टर, मोस्टली 14S 15S में पावर जो आपका एडाप्टर आता है वो 65 वाट का ही होता है, और एक आती है हमारे इसके साथ मैनुअल। देखते हैं लैपटॉप। देखिए, अगर मैं बात करूंगा तो अभी तक पहले पवेलियन आ रही थी ईजी सीरीज, ऑलमोस्ट वही बॉडी में एचपी ने लैपटॉप दिया है, वही स्लीकनेस है, वही अगर मैं बात करूंगा वही बिल्ड क्वालिटी है, मेटल बॉडी के अंदर आता है। अगर मैं इसकी बात करूंगा, एबीसी तीनों पार्ट इसमें मेटल बॉडी में आपको मिलते हैं। अगर हम लैपटॉप के ओवरव्यू की बात करेंगे बाहर बॉडी की, तो बहुत ज्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अगर मैं ये कहूं जो 12 जनरेशन या 13 जनरेशन के अंदर एचपी ने जो बॉडी में डिफरेंस दिया है वो कुछ नहीं दिया है, ऑलमोस्ट सेम ही आपको बॉडी मिलती है। इसमें आपको 15.6 इंची बैकलिट फुल साइज कीबोर्ड मिलता है विद न्यूमेरिक कीपैड, आपका ट्रैवलिंग स्पेस बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, बात करते हैं एचपी पवेलियन में पोर्ट्स क्या क्या दिए गए हैं। सबसे पहले लैपटॉप के लेफ्ट साइड में आप देखेंगे, सबसे पहला पोर्ट आपको दिखाई देता है चार्जिंग का, जिससे आप लैपटॉप चार्ज कर सकते हैं, और उसके बाद आता है USB SS सुपर स्पीड, जो आपके प्रिंटर या माउस आपने कनेक्ट करना हो या डाटा ट्रांसफर पेन ड्राइव लगाने के लिए, और साथ में आता है एक स्पेस आपके हार्डवेयर लॉक के लिए। देखते हैं लैपटॉप के राइट साइड में कौन कौन से पोर्ट हैं। जो सबसे पहला पोर्ट है वो HDMI आपके प्रोजेक्टर या LED टीवी या एक्सटर्नल डिस्प्ले कनेक्ट करने के लिए, उसके साथ आपको मिलता है एक और USB, एक लेफ्ट में था एक राइट में है सुपर स्पीड के साथ, और साथ में आता है आपका Type-C पोर्ट, जिससे आप आज की डेट में बहुत फास्ट डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, या आप अपना मोबाइल भी चार्ज करना चाहें तो आप इससे वो भी चार्ज कर सकते हैं। साथ में आपको मिलता है 3.5mm का ऑडियो जैक, जिससे आप ऑडियो स्पीकर्स आप या हेडफोन माइक आप इससे लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन की। सबसे पहले हमारा आता है CPU। इसके अंदर आपको मिलता है इंटेल का i5 13 जनरेशन 1340p प्रोसेसर। अगर हम बेस स्पीड की बात करेंगे 1.9 GHz है, लेकिन टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आता है तो 4.6 इसकी मैक्सिमम क्लॉक स्पीड आपको मिलती है। 12 कोर का प्रोसेसर है और लॉजिकल प्रोसेसर जो है इसमें 16 है, और अगर हम बात करेंगे L3 कैशे की तो वो 12 MB है। देखिए, मैं आपको बता दूं, 12 कोर का प्रोसेसर है, लेकिन इसके अंदर 4 परफॉर्मेंस कोर होते हैं और 8 एफिशिएंट कोर होते हैं। जो परफॉर्मेंस कोर 4 होते हैं उसकी मैक्सिमम जो क्लॉक स्पीड होती है वो 4.6 GHz होती है, लेकिन जो एफिशिएंट कोर होते हैं वो 3.4 GHz तक ही आपके क्लॉक स्पीड तक मैक्सिमम क्लॉक स्पीड तक जाते हैं। मेमोरी की बात करेंगे, 16 GB की इसमें रैम है। स्पीड आपको जो मिलती है रैम की वो 3200 MHz है। 2 स्लॉट्स हैं, दोनों ही यूज्ड करे हुए हैं इसके अंदर। हार्ड डिस्क की बात करेंगे, WD की 512 GB की इसमें SSD मिलती है, और कैपेसिटी आप इसको मिलती है 477 GB की। Wi-Fi 6 आपको इसमें मिलता है Realtek का। GPU की बात करें तो नॉर्मल इंटेल आइरिस XE ग्राफिक्स है,
जो डेडिकेटेड मेमोरी के साथ आपके नहीं आता है। शेयर्ड ग्राफिक्स है 7.8 GB के साथ। दोस्तों बात करते हैं, अगर इसकी डिस्प्ले की बात करें तो 15.6 इंच फुल HD IPS डिस्प्ले आपको मिलता है। एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, नैरो बेजल के साथ आता है। आप तीनों थ्री साइड देखेंगे, तीनों साइड आपका नैरो बेजल के साथ आपको इसका डिस्प्ले मिलता है। निट्स की बात करेंगे, 250 निट्स है और 45% NTSC आपको इसमें मिलता है। वेबकैम की बात करते हैं, HP इसमें 720p HD कैमरा देता है विद डुअल एरे माइक के साथ आपको इसका कैमरा मिलता है। तो दोस्तों वक्त आ गया लैपटॉप को फिजिकली ओपन करने का। 13 जनरेशन लैपटॉप है, मार्च 2023 के अंदर लॉन्च हुआ है और आज हम इसको फिजिकली ओपन करने जा रहे हैं आपके लिए, आपको दिखाने के लिए कि आप क्या क्या इसमें अपग्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों लैपटॉप हमारा ओपन हो गया है। मैं आपको हमेशा ये कहता हूं, आप खुद में ट्राई करिएगा, जितना इजी वीडियो में खोलना दिखता है उतना इजी होता नहीं है। चलिए बात करते हैं प्रोसेसर की। यहां पे प्रोसेसर लगा हुआ है, यहां पे आप देख रहे हैं ये प्रोसेसर है जो हीट सिंक के थ्रू कनेक्टेड है फैन के साथ। पी प्रोसेसर है, दो फैन इसमें लगे हुए हैं, थोड़ी सी हीट ज्यादा होता है इसीलिए इसमें दो फैन दे रखे हैं। यहां बात करेंगे, ये SSD है, इसको आप अपग्रेड कर सकते हैं लेकिन आपको इसको रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव करने के बाद ही आप इस पे SSD अपग्रेड कर पाएंगे। यहां हमारी 8-8 GB की दो रैम दे रखी है, सैमसंग की रैम है आप देखेंगे, इसको आप अपग्रेड कर सकते हैं। दोनों आप 8-8 GB निकाल के 16-16 GB आप इसमें रैम लगा सकते हैं। यहां पे हमारा वाईफाई 6 दे रखा है, वाईफाई कार्ड। यहां हमारे दो स्पीकर्स दिए हुए हैं, आप देखेंगे दो स्पीकर्स हमारे यहाँ पे है। और ये है बैटरी, 3 सेल की बैटरी है 41 वर्क आवर्स के साथ। अगर आप बैकअप की बात करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 6 से 8 घंटे आपको इसका बैटरी बैकअप मिल जाता है। आज हमने अनबॉक्स किया HP Pavilion EG3027TU लैपटॉप को। देखिए बात करते हैं लैपटॉप के यूज की। आपने अगर 15.6 इंचेस के अंदर लैपटॉप लेना है, स्लीक लेना है मेटल बॉडी के अंदर, तो ये लैपटॉप एक परफेक्ट आपके लिए है। आपने कुछ भी काम करना हो, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब छोटे सॉफ्टवेयर हैं, आपने वन नोट या आपने अकाउंटिंग आप कर सकते हैं क्योंकि न्यूमेरिक कीपैड आपको इसमें मिलता है, आपने कोई भी काम करना है वो सारे काम इस लैपटॉप में आपके हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ अगर आपने हार्डकोर गेमिंग करनी है तो वो इस लैपटॉप में नहीं होगी, या आपने 4K एडिटिंग करनी है वो इस लैपटॉप में नहीं होगी। 3D Max आपको चलाना है, देखिए वो चल जाता है, आप इंस्टॉल कर लेंगे सॉफ्टवेयर लेकिन आप इजीली वर्क नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये सारे सॉफ्टवेयर, ये सारे वर्किंग आपको डेडिकेटेड ग्राफिक्स की डिमांड करती है जो 4 GB एटलीस्ट होना चाहिए। GTX 1650 या RTX 3050 आपका ग्राफिक्स होना जरूरी है जो इस लैपटॉप में नहीं है। उसके अलावा अगर आप कोई भी वर्किंग करना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लास हो गया, कुछ भी आप इस लैपटॉप पे इजीली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। डिजाइन की आप बात करेंगे तो परफेक्ट डिजाइन है, मेटल बॉडी है, इस लैपटॉप में आपको सब कुछ मिलता है। मार्केट में ये लैपटॉप अप्रोक्सीमेटली 75,000 का आपको मिल जाएगा। कुछ HP वर्ल्ड के लिंक्स हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, आप वहां पे जाके ये लैपटॉप बाय कर सकते हैं। HP इसके साथ आपको 1 साल की वारंटी देता है, ऑन साइट वारंटी होती है। आप अपग्रेड करना चाहें आप अपग्रेड कर सकते हैं। HP टाइम टू टाइम ऑफर्स देता रहता है, कभी बैक टू स्कूल या बैक टू कॉलेज या कोई फेस्टिवल्स जब आते हैं तो HP उसके साथ आपको ऑफर्स देता है। HP इसके साथ एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन की भी आपको ऑप्शन देता है। इसके लिए आपको जो HP वर्ल्ड पे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होगा आप उससे जरूर पूछिएगा कि अगर आप इसमें एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन आप अपग्रेड कराना चाहते हैं तो उसके क्या चार्जेस है, वो आपको इसके बारे में बता देगा। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि आप कभी भी एक्सटेंडेड वारंटी या एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन कभी भी आप आउटसोर्स या बाहर से मत खरीदें। कभी भी आपको ये लेना हो तो वो HP की ही वारंटी आप हमेशा लीजिएगा, चाहे वो एक्सीडेंटल वारंटी हो या एक्सटेंडेड वारंटी हो। वीडियो आपको कैसी लगी है हमें जरूर बताइएगा, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया हो इस वीडियो को देखने के बाद इस लैपटॉप से रिलेटेड या किसी और लैपटॉप से रिलेटेड, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में
पूछ सकते हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी जितने भी न्यूली लॉन्च लैपटॉप होंगे हम कोशिश करेंगे हर लैपटॉप की वीडियो आप तक जरूर पहुंचाए, और हर लैपटॉप को हम कोशिश करते हैं कि फिजिकली ओपन करके भी आपको दिखाएं। इससे आपको पता चल जाता है कि लैपटॉप के अंदर आप क्या क्या अपग्रेड कर सकते हैं, आपको परचेज करने में बहुत ही ईजी रहता है। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए लैपटॉप के साथ। जय हिंद।